खानदानी गहना था, घुमा दिया ना। अरे लॉकर खोलना इतना आसान नहीं है भाई। जागीर जी आसान नहीं है, लेकिन मेहनत भी तो कहीं नहीं दिख रही है ना। मतलब चोर ना कोई घर का ही है। आपके जहन में ये बात आई भी कैसे? हम पर शक किया और हमारे बेटे की कार की जासूसी करवाई। बहुत गलत किया आपने बड़े मियाँ। देखो आफ्ताब, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी हार चुराया ना, वो माइंड से खेल रहा है, लेकिन उसका बचना इम्पॉसिबल है। अमीर कितना खूबसूरत हार है। फैज, किसी को खबर हो गई तो आफत आ जाएगी। मामला ठंडा होने तक तुम खामोश रहो। किटी, तू यहाँ क्या कर रही है? इधर आ। वो मेरा फोन रह गया था यहाँ पे, तो वो लेने आई थी। अच्छा, और वहां फैज, ये देख। किटी, तू यहां चुपके सारी बातें सुन रही थी तुम लोगों की। अच्छा वह रोक दिया ऐसे मैंने। पागल हो क्या? मैं क्यों बातें सुनूंगी इनकी? वो मैं अपना फोन लेने आई थी, तो मैंने फैज को हार के बारे में कुछ बोलते हुए सुना, इसलिए मैं आई। हाय, अब ये दिन भी देखना था? अब घर के लोगों पर बाहर वाले शक करेंगे क्या? पहले भोले भाले आफ्ताब पर इल्जाम लगाया और अब हमारे बेटे पर। किटी, बहुत हो गया। आपको हमारी जितनी मदद करनी थी आपने कर दी, अब आगे क्या करना है हम खुद देख लेंगे। आप इस मामले में दखल ना दें। हार जाना था तो चला गया। पक्का फैज को तुमने हार के बारे में बोलते हो सुना था? कान में मैल नहीं है मेरे। तो ये बात तुम आराम से ही बोल सकती हो। भाई एक ही एक मिनट, पर फैज हार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसी हार के बारे में बात कर रही थी, आपको कैसे पता? इसलिए तो उस समय कुछ बोली नहीं मैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी अम्मी और फैज ने रिएक्ट किया ना, एकदम घबरा से गए थे वो, इसलिए मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे ओ, हवेली में दाल वाल नहीं बनती। पीपल आर ओवर देयर नॉन वेजिटेरियन। हां हां, आप तो जैसे उनके वो है ना, क्या कहते हैं किटी, खानसामा है। तो यार मुद्दे उद्दे से मत भटको। उस आफ्ताब को तुमने चोर बना दिया, मुझे खानसामा बना रहे हो। एक्सक्यूज मी, ये खानसामा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुकिंग बहुत इज्जत वाला काम होता है। अच्छा, अब ये भी बोलेंगे। भाई बावर्ची तू ही बन जा, मुझ पे क्यों भड़क रहा है फिर? अरे यार, तुम लोग को जो बनना है बाद में बन जाओ ना, अभी जो काम है उस पर ध्यान दो। एक गलती की वजह से नरगिस और आफ्ताब की सगाई टूट गई। सब प्यार है दोनों में, इसे टूटने नहीं देंगे। थोड़ा हमने छोड़ेंगे भी हम। वैसे भी लाइफ में अंडरस्टैंड करने वाले पार्टनर्स ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तारा, ये क्या, ये कुछ पता है तुझे इस पार्टनरों के बारे में? किट्टी, भाई साहब आपको पता है पार्टनर वार्टनर का सीन क्या होता है? प्रिंस कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। तो ये केस आफ्ताब और नरगिस के प्यार के नाम, क्यों? यस। लास्ट टाइम ना शाहिद ने हमें इन्फॉर्मेशन गलत दी थी, इस बार उससे सच उगलवा के रहेंगे। तुम सब यहाँ? देखो शाहिद, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। लास्ट टाइम तुमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। अबे तू तो हमारा खबरी लाल है यार। सची, आपने नरगिस की शादी एक चोर से होने से बचा ली। नरगिस हमारी दोस्त है, इतना तो बनता ही था। बस तो अब इस दोस्ती की खातिर तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी हार ढूंढने में। भाई दोस्ती की है तो पूरी निभाओ, आधी निभा के फायदा क्या? आफ्ताब की कार में हार के टुकड़े मिले हैं, तो हार भी उसी के पास होगा। नहीं नहीं, बिना सबूत ना बात नहीं बनेगी। दिमाग पे थोड़ा और जोर डालो, सोचो कोई और ऐसी चीज है जिससे पक्का साबित हो जाए कि आफ्ताब ही चोर है। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन रात को तुम्हें लगा कि आफ्ताब को चोरी वोरी करने जा रहा है, तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? वो हमने सोचा कि... क्या सोचा? जो तुमने सोचा वो हमें पता है, बाकी बता।
ये देख मिला पीछे से मुझे भी। ये तो एकदम वैसा ही मोती है ना जो आफ्ताब की कार से मिला था। सेम टू सेम। नहीं 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 क्या कह रहे हो? छुपाना ना एक कला है, लेकिन तुम कलाकार नहीं हो। शाहिद आपको जो कुछ भी पता है आप बता दीजिए। बता दे यार, क्योंकि पिट के सच बोलना ना अच्छा नहीं होता। भाई हार तो तुमने चुराया, अब मान भी लो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्यों चुराएंगे हम हार? एक मोती मिल जाने से हम चोर नहीं हो जाते? आपका भी तो ऐसे ही चोर साबित हुए थे ना। अच्छा तो कहानी ये है कि पहले आफ्ताब ने हार चोरी किया, उसके बाद तुमने, तो देखा जाए तो हार शाहिद के पास होना चाहिए। नहीं केस सॉल्व? तो किटी एक काम करते हैं, बड़े मियाँ जी को बता दे। चलिए। हाँ वैसे भी शादी टूट चुकी है, अब वो पुलिस वुलिस बुलाएंगे, अच्छा खासा दंगा होगा, मजा आएगा। चलो। हाँ हाँ भाई, और पुलिस के पास बहुत तरीके बात निकलवाने के। क्यों चले? रुको रुको, खुदा की खातिर हमारी बात का यकीन करिए, हमने हार नहीं चुराया है, हमने सिर्फ तुम्हें भटकाया था। हमने हार आफ्ताब की कार में रखा था, हमें लगा तुम लोग ढूंढ लोगे, पर तुम्हें मिले तो सिर्फ मोती, फिर हमें नहीं पता हार का क्या हुआ, वो पक्का आफ्ताब की कार में ही होगा। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? मोहब्बत करते हैं हम नरगिस से, बचपन से ख्वाब देखा था उसे अपनी बेगम बनाने का, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब उसकी सगाई आफ्ताब से हो रही थी, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो हमसे अमीर है। वाह, तो ये सब करके तुमने पाले नरगिस को? देख मेरे दोस्त, लोग इश्क में हीर हुए रांझे हुए, तू तो चोर हो गया यार, बदनामी करा दी तूने आशिकों की। तिजोरी तोड़ के आप हाजिल क्या करना चाहते थे? हमने तिजोरी नहीं तोड़ी थी। तो फिर हार तुम्हें मिला कैसे? फैज, जिस दिन नरगिस की सगाई तय हो रही थी उस दिन हमारा मन कुछ उखड़ा हुआ था, उस रात हमने आफ्ताब को बड़े मियाँ की हवेली की तरफ जाते हुए देखा, हमने उसका पीछा किया, वो जाके नरगिस से मिला, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस वक्त ही हमने ठान लिया था कि इसको तो बेरंगी वापस भेजना है मेरठ, और अगले दिन सुबह नहीं, लेकिन फैज ने ये सब किया क्यों? अपनी अम्मी के लिए। हार देख के किसी के मन में भी लालच आ सकता है, तो हमने उसका पीछा किया ताकि उसको रोकें, पर हार। फैज किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा अम्मी। किसी को खबर हो गई तो आफत आ जाएगी। आप फिक्र ना करें अम्मी, हम है ना, आप हार पहन के दिखाइए ना। पहन के? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा, इसे चुपचाप छुपा कर अंदर रख देते हैं, जब मामला ठंडा हो जाएगा ना तो सोचेंगे इसका क्या करना है। फिर हमने सोचा हमारे इससे एक ऐसा राज आया है जिसका इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। इसका मतलब तुमने पहले फैज से हार चुराया और फिर जाकर आफ्ताब की गाड़ी में रख दिया। और अबीदा बेगम को अब तक लगता है कि हार उन्हीं के पास है, कि मारे उन्होंने अपना कबर्ड भी चेक नहीं किया होगा। तू तो फंस गया लड़के। जो किया अपने प्यार के लिए किया। प्यार के लिए? अरे प्यार में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपने सपने शेयर करते हैं, और जो तुमने किया नरगिस के साथ ना, वो प्यार नहीं वो जलन है। उस वक्त जो ठीक लगा हमने कर दिया, सॉरी हमें नरगिस की मोहब्बत में और कुछ नहीं सूझा। प्लीज अब्बा को ये बात मत बताना, हमने हार नहीं चुराया है, हमें नहीं पता ये मोती यहाँ कैसे आ गए। नहीं वो तो अदरक ने रखे थे, आर्टिफिशियल नकली। कभी कभी क्या ना यार, ऐसा करना पड़ता है सच चुगलवाने के लिए। प्लीज अब्बा को ये बात मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर एक शर्त पे, तुम कभी भी नरगिस और आफ्ताब के बीच में नहीं आओगे। क्या? नहीं हमारे पास नहीं है,
क्या बात कर रहे हो आफताब? हम ब्लेम नहीं कर रहे तुम्हें, बस इतना बता दो कि तुम्हारी गाड़ी की चाबी किस किस के पास जा सकती है, या तुमने कहीं छोड़ दी हो गलती से? देखिए हमारी कार सिर्फ हम ही चलाते हैं और कोई नहीं चलाता, अब्बू जान भी नहीं, और कार की चाबी भी किसने नहीं ली है। अरे भाई माँ की कसम, इतना उलझा हुआ केस तो जेम्स बॉन्ड के पास नहीं आया होगा। देखिए आपको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए हमें शाहिद को सामने लाना होगा, लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमने उनसे प्रॉमिस किया है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या गलती बताइए। अरे भाई गलती तो हमसे हो गई यार इस केस में पड़ के। ओ नरगिस, हाय। नरगिस तुम यहाँ कैसे? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ यार वो हर बार मिल गया क्या बता दे, हमारी तो रेल बनी पड़ी है। काश के ऐसा होता, लेकिन हमारी खुशी की कोई और ही वजह है। और वो क्या? एक सेकंड। अरे वाह, एयर होस्टेस कोर्स। उड़ान देवी की लिटिल सिस्टर। मतलब? अरे मतलब अब बदलीपुर में भी दो दो उड़ान देवी हो जाएंगी। अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, हम एयर होस्टेस बनने वाले हैं, अब हम सारी दुनिया घूमेंगे। यार दुनिया तो ना, मुझे भी घूमनी है। अशरफ अगर आप स्कूल जाते तो आप घूम लेते, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ, आप अभी भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं जाना मुझे बार बार, बहुत ठंड होती है और मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। वैसे नरगिस ये कोर्स महंगा होगा ना? हाँ काफी पैसे लगे होंगे ना इसके लिए, कैसे मैनेज किया? बड़े मियाँ की बेटी है यार ये। बैठो बैठो। हाँ तो पैसे कैसे अरेंज हुए? पैसे वैसे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज अब्बू ने ये फॉर्म पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी चिंता ना करें, अब सारा इंतजाम कर देंगे वो। और एक बात, आज हमने आफ्ताब से बात की थी, उन्होंने अपने अम्मी अब्बू से बात की है, अब उनके अम्मी अबू को कोई भी एतराज नहीं है हमारे एयर होस्टेस बनने में या शादी को दो साल टालने में। आफताब लेकिन तुम्हारे अब्बू ने तो कहा था ना कि जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता तब तक सगाई वगैरह कुछ नहीं। हाँ उनका मन अचानक बदल गया। हाँ एकदम यूटा। हाँ क्योंकि हमने अब्बू का समझाया कि आफताब बहुत ही अच्छे इंसान है और वो चोरी तो कर ही नहीं सकते, और एक आफताब भी तो है हमारे अब्बू के अलावा जो हमारे ख्वाबों को मुकम्मल होते हुए देखना चाहते हैं, और हमारे अब्बू हमारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Congratulations. तो ये चक्कर में वो चक्कर देख, कोई आ गया तो आफत आ जाएगी, जल्दी करो। अदरक इसे खोल सकता है? अदरक जल्दी कर, हाथ को खोल ले यार। खुल गया। हट जाओ। यही वो मिल गया। क्या मिल गया? जिसकी हमें जरूरत थी। और भाई सामान वामान सेट कर यार, पकड़े जाएंगे भाई, जल्दी जा। थैंक यू। अम्मी ये हार तो आपके पास था ना? हमें नहीं पता ये नरगिस के पास कहां से आया। अब चुप रहो, कोई कुछ कह नहीं रहा मतलब हम पर किसी को शक नहीं है, चुप रहने में हमारी भलाई है।
हमें तो लग रहा है कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। सब कितने खुश हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शुक्रिया तो बस एक लफ्ज है, अगर आप सब ना होते तो शायद हमारा और नरगिस का रिश्ता मुकम्मल ही ना हो पाता। थैंक यू शायद, क्योंकि अगर तुम ना होते तो ये सब नहीं हो पाता। मिल गया। क्या मिल गया? जिसकी हमें जरूरत थी। अरे आप लोग, आप लोग यहाँ पर? अरे भाई, नरगिस की सगाई तय होने जा रही है, वो एयर होस्टेस बनने जा रही है, और आप लोग उसे मुबारकबाद देने के बजाय मुझे यहाँ बुला रहे हो शायद के द्वारा। मसला क्या है अंकल? हम आपको बधाई देने आए। ओहो, नरगिस ने खुशखबरी आपको पहले ही दे दी। अरे नहीं नहीं बड़े मियाँ जी, वो क्या है ना कि हम बधाइयों में मिलावट नहीं करते। नरगिस की बधाई नरगिस को और तुम्हारी बधाई तुम्हें। हम कुछ समझे नहीं। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। हम जानते हैं कि आपने अपना पुश्तैनी हार गिरवी रखा है नरगिस के सारे सपने पूरे करने के। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। सच्ची सैल्यूट। बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटी के करियर के लिए इतना कुछ करते हैं। ये बातें आपको कैसे पता? नरगिस ने बताया कि आप उसके सपने पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। और अचानक से आपने इतने सारे रुपए मैनेज कर लिए उसके एडमिशन के लिए। बाकी तो इतने केस सॉल्व किए अंदाजा हो ही जाता है। मुझे नहीं मालूम वो शाहिद ने हार क्यों चुराया, लेकिन जब वो आफ्ताब की कार में उसे छुपा रहा था तो उसे देखकर मेरा माथा ठनका। हमें पैसे की जरूरत थी और हमारा हार हमारी आंखों के सामने चोरी हुआ। वैसे तो वो हार कोई हमें बेचने नहीं देता, हमारे हाथ मौका आ गया, हमने वो हार आफ्ताब की कार से निकाल ली। लेकिन जल्दबाजी में कुछ मोती टूटकर उसकी कार में रह गए, जिसकी वजह से आप लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगाने। जब वो हार हमारे हाथ आया तो हमें लगा कि खुदा ने एक मौका और दिया है हमें नरगिस को दोबारा से एयर होस्टेस बनाने। हमारे हाथ में एयर होस्टेस की फीस जमा करने के लिए एक जरिया था, इसलिए वो हार हमने गिरवी रख दिया। लेकिन अंकल आपकी नीयत सच्ची थी। बाप हो तो तुम्हारे ऐसा। बस आपसे एक इल्तिजा थी कि ये बात किसी और को पता ना चले। बड़े मियाँ जी मर जाएंगे कसम से, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। लेकिन इन सबके चक्कर में आपका हार चला गया। कितना मन था ना नरगिस का उसे सगाई में पहनने का। हमारी बच्ची कुछ चाहे और हम उसकी इच्छा पूरी ना करें, ऐसा कभी हुआ है क्या? एक मिनट। ये देखो। भले ही हमारी हालत थोड़ा खस्ता है, लेकिन बाजार में हमारे नाम की अभी भी कुछ इज्जत है। सराफे वाले से बोलकर एक हफ्ते के लिए उधार मांग कर लाएं, सगाई के बाद वापस गिरवी रख देंगे। अब अगले हफ्ते नरगिस और आफ्ताब की सगाई है, आप लोग जरूर आइएगा। और खाने के लिए तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं कदम से। ऐसे आज क्या बना है? चलो बाहर गर्मा गर्म कचौरी बनवाते हैं। अरे वाह, चलो 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 ले चलो दो मिनट। मुबारक हो। बिल्कुल सही कहा था आपने बड़े मियाँ, आधे दिल से किए हुए रिश्ते पूरी जिंदगी नहीं चलते। आफ्ताब ने हमें समझाया ना होता तो हम तो पूरे दिल से राजी नहीं हो पाते। फिर सोचा इन बच्चों को अगर कोई एतराज नहीं है तो हमें तो इनका साथ देना ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
सोचेंगे कि हम लोग का निकाह भी जो है वो 2 साल देरी से हुआ था, 2 साल इंतजार कर लेंगे। भाईजान अब 2 साल इंतजार कीजिए, एक बार नरगिस बेटी के पंख लग जाएं, फिर आपके घर की शान बढ़ जाएगी। अब हमारी बहू एयर होस्टेस, लंदन, कनाडा, अमेरिका सब घूमेंगी, इसी बहाने हमें भी कभी कभी मौका मिल जाए घूमने का शायद। हाँ, किसी की भी बहू आस पड़ोस में विदेशों में नहीं गई होंगी। ये बस उड़ान देवी की कृपा है, ये जो हमारा मिशन है सक्सेसफुल हो गया। वैसे किटी, ये केस कितना स्ट्रेंज था ना। हाँ, पहली बार ऐसे हुआ कि हम मुजरिम बता नहीं सके कौन है। अरे यार, मैंने जबान दी थी, ऐसे कैसे बता देंगे। ऐसे हर केस का हीरो तो मैं ही होता हूँ। प्रिंस तारा, हंसने की बात नहीं है, इट्स अ सीरियस मैटर। पर इस बार इस केस के हीरो बड़े मियाँ निकले। बिल्कुल यार, बड़े मियाँ को मान गए। कोई पिता अपने बच्चों के सपनों के लिए इस लिमिट तक भी जा सकता है, क्या बात है। काश दुनिया के हर एक पिता बड़े मियाँ जैसे होते हैं। नहीं अच्छा, वैसे आफताब भी कितने सपोर्टिंग है ना। हाँ, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे लड़के। क्यों नहीं मिलते, मिलते हैं भाई। मिलते हैं तो मुझे बता दे, इस किट्टी के लिए ब्याह के लिए लड़का ढूंढना है। ज्यादा नहीं बोल रहे भाई, कम बोलना, मैंने सीखा नहीं। तू स्कूल जाती है, तूने सीखा होगा। हाँ, मैं तो जाती हूँ ना स्कूल, क्योंकि तेरे जैसी नहीं हूँ। मेरे ऐसे हो भी नहीं सकती तू। मुझे होना भी नहीं तेरे जैसे। चल फिर यहाँ से, तू चल यहाँ से। हर बार स्कूल पढ़ाई इसी की बात ढूंढ देती रहती है। चल ला, मुझे ना कोई जरूरत नहीं ऐसे लड़के से बात करने की, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे निकल, दफा हो, देश आजाद है। तेरे देश आजाद है। चल ऐसे। रहेंगे दोनों अड़ियल दिमाग। लड़कियां लड़कों से बेटर है ना, तो प्रूव करो। अकेले मिलो कल स्कूल के पीछे वाले जंगल में। इसने चैलेंज किया मुझे, साबित तुम्हें करके ही दिखाऊंगी इसे।